तो हे गाइस, दिस इज वुमन, आप देख रहे हैं जीरा आवर्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इस तरह की लाइट्स लगाने वाले हैं डोर्स पे, जो कि आप दरवाजा खोलेंगे तब नीचे पूरा उजाला हो जाएगा, कपड़ा वाला नहीं, रोशनी वाला उजाला हो जाएगा और आपको साफ साफ दिखेगा कि नीचे क्या है और आपका पैर गंदा होने से भी बच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में किसी पार्टी में जा रहे हैं और दरवाजा खोलते हैं, नीचे कुछ दिखाई नहीं देता और पैर चल जाता है गोबर पर, तो सत्यानाश हो जाता है पूरा मुठ का, ठीक है। तो ये नहीं होने वाला है इस चीज़ को लगाने के बाद। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक तो तरीका इसे करने का है कि इस तरह का ब्रांडेड लाइट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छा खासा आपको पॉकेट को चार्ज करेगा। दूसरा तरीका मेरा वाला है जो सस्ते में आपको वही चीज़ प्रोवाइड कर देगा। तो हम इसमें जो लाइट्स यूज़ करने वाले हैं वो ये वाली है, इस तरह की दिखती है और ये 9 वोल्ट्स की रेटिंग के साथ आती है, 200 मिली एम्स करंट लेती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो 9 वोल्ट है जो गाड़ी में मिलती है ना, आपको 12 वोल्ट से 14 वोल्ट तक पोटेंशियल मिल जाती है। 9 वोल्ट में अगर 12 या 14 देंगे तो ये तो फ्राई कर देगा पूरा को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने वाले हैं जो कि LM317 IC पे बेस्ड है, ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो सर्किट मैं इस वीडियो में बना के नहीं दिखा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा, तो लिंक भी दे दूंगा किसी और वीडियो का। तो उसके बाद हमें कुछ वायर्स की जरूरत पड़ेगी, जो ऐसे वाले कोई भी ले सकते हैं, मिनिमम गेज लीजिए, मतलब छोटा से छोटा गेज वाला लीजिए, काम चल जाएगा। तो ये जो इसका मीटर जो कॉस्ट पड़ा मेरे को, 3 रुपये पर मीटर कॉस्ट पड़ा, क्योंकि सस्ता ही है, काफी चीप है इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, इसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं है ना। तो इन लाइट्स में बस सोल्डरिंग करके हमें वायर्स फिट करनी है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे गाड़ी में कैसे फिट करना है। तो हम जिन सामानों का यूज़ करने वाले हैं वो ये सब है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो सोल्डरिंग करने के बाद मैंने इतने लंबे लंबे तार इसको छोड़ के रखे हुए हैं ताकि जो साइड वाले डोर्स के पैनल्स है उसमें लगाने में काफ़ी आसानी हो और बाद में अगर फ्यूज़ हो जाए तो उसे रिप्लेस करने में काफ़ी आसानी हो। तो हम लोग 4 लगाने वाले हैं, एक हर एक डोर में एक एक, और जो मैंने वोल्टेज रेगुलेटर बनाया था वही ट्रांजिस्टर है LM317, उसे मैंने एक केसिंग में पैक कर दिया है प्लास्टिक वाली और उसी में नॉब डाला हुआ है। मैं हर एक लाइट्स को डोर के इस जगह पे फिट करने वाला हूँ जहाँ पर हाथ रखा जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि लोगों को दिखेगा भी नहीं कि लाइट कहाँ लगा हुआ है और नीचे अच्छा खासा उजाला भी कर देगा। तो प्लास्टिक के पैनल को खोलने के बाद डोर कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तार पार करना है LEDs को रन करने के लिए, तो हम इस ट्यूबिंग का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस डोर में तार को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ट्यूबिंग को निकालना भी काफ़ी आसान है, बस आपको साइड से थोड़ा सा खींचना है और इस तरह ये बाहर निकल आएगा। तो इसमें हम तार पार कर लेते हैं, उसके बाद LEDs को कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इस पैनल में तार पार कर लिया और उसे LED से कनेक्ट कर दिया और टेपिंग भी कर दी, और दूसरी तरफ हम जो वायर निकाले थे वो इस तरफ निकल चुकी है और यहीं पर हम पूरा सर्किट सब बैठाएंगे जो कि वोल्टेज रेगुलेशन का काम करेगा। लाइट को मैंने इस जगह पर लगाया है, मैंने एक छेद कर दी और उसमें से तार पार कर लिया और लाइट बाहर लटक रही है, और ट्यूबिंग से होते हुए मैंने दूसरी तार को इस जगह पर सब ला के रखा हुआ। तो हम लोग कनेक्शन किसके साथ करने वाले हैं 12 वोल्ट के लिए, तो ये जो है ना हम लोग का एटमोसफेयर लाइट्स, इसमें 12 वोल्ट जाती है तो हम इसी से कनेक्शन ले लेंगे। और इसका कनेक्शन जाएगा सबसे पहले वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की ओर, और वो ड्रॉप करके देगा वोल्टेज इन डोर लाइट्स पे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी हम लोग गाड़ी के अंदर में हैं और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, रात का समय है इसलिए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये लाइट्स कितनी रोशनी करती है। तो 1, 2, 3 देख सकते हैं अच्छा खासा रोशनी कर रहा है, मेरे पैर गोबर में जाने से बच गया, अरे वाह, ठीक है। तो कितना रोशनी करता है ये सब लाइट्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, बाय।